अरे रामू, मेरा उधार कब चुकाओगे? फसल कटते ही चुका दूंगा लाला जी, इस बार हमें माफ कर दो। अच्छा ठीक है, तुझे एक काम करना होगा। हुक्म मालिक। ये सुरेश को देख रहे हो? हाँ जी। इसने बहुत अकड़ है, ये कभी मेरे सामने झुका नहीं। मालिक आप तो क्या, ये किसी के सामने नहीं झुकता, ये नवीन तकनीक से उन्नत खेती करता है। और जब से अडवांटा का पीएसी 751 इलाइट मक्का बीज अपने खेतों में लगाया है ना, इसका सर हमेशा ऊंचा रहता है। अच्छा, इसे तो मैं बाद में देखूंगा। सुरेश भाई, इतनी तेज हवा और बारिश के बाद भी आपके ये मक्के के पौधे सीधे खड़े, इसका राज क्या है? एडवांटा का पीएसी 751 इलाइट मक्का बीज की यही तो खासियत है। इसकी मजबूत जड़ और मजबूत और लचीला तना इसे झुकने नहीं देता है। ये किसानों के सम्मान का प्रतीक है। इसकी और भी बहुत खूबियां होंगी। हाँ रामू भाई, पीएसी 751 इलाइट हाइब्रिड बीज से ज्यादा अंकुरण क्षमता और स्वस्थ पौधे होते हैं। इसकी पतली बलरी होती है और दानों की प्रतिशतता ज्यादा होती है। दाने ऊपर तक भरे होते हैं। मजबूत आवरण के कारण बारिश का पानी और कीट भुट्टों के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। बड़े और एक समान भुट्टे खेतों में बेहद आकर्षक दिखते हैं। नारंगी रंगों वाले ये वजनदार दाने इसकी सुंदरता को चार चांद लगाते हैं, लिहाजा भरपूर पैदावार मिलती है। और सबसे बड़ी बात, इसका बाजार भाव भी अच्छा मिलता है। एडवांटा का पीएसी 751 एलाइट जो लगाए एक बार, वो लगाए इसे बार बार। तुम भी अपने खेतों में उच्च गुणवत्ता वाले एडवांटा के पीएसी 751 एलाइट हाइब्रिड मक्का बीज लगाओ, अपनी जिंदगी बनाओ, क्योंकि ये तुम्हें कभी झुकने नहीं देगा और मुनाफा रुकने नहीं देगा। पीएसी 751 एलाइट, बेहतर फसल, बेहतर उपज। जिन खूबियों के साथ एडवांटा का पीएसी 751 सभी मक्का किसानों के घर में समृद्धि और खुशियां लेकर आया है। वजनदार दाने, गिरने के प्रति सहनशील, मजबूत आवरण, भुट्टों में ऊपर तक भरे हुए दाने, एक समान भुट्टे, दानों की प्रतिशतता ज्यादा,